गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 16 जुलाई और दोपहर के बज रहे हैं 12:48। अपने लाइव सेशन से हम सिर्फ एक घंटे दूर हैं फ्रेंड्स। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोस आपको आ रहे हैं पसंद, या फिर किसी भी तरह से अगर ये वीडियोस आपकी मदद कर पा रहे हैं आपको कुछ सिखाने में या फिर आपके पोर्टफोलियो मैनेज करने में। और फ्रेंड्स, आप में से वो लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर सामने मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि शेयर अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप और इस चैनल का मकसद शेयर्स को थॉरली एनालाइज करना फंडामेंटल बेसिस पर और टेक्निकल बेसिस पर, और उसके बाद लंबे समय के लिए पोजिशनल तौर पर होल्डिंग करना है अपने पोर्टफोलियो में, जिनमें मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए मिनिमम पोजिशंस वीकली बेसिस पर और मैक्सिमम ईयरली या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो फॉर्मेशन करना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर या फिर एक ऑप्शन ट्रेडर हैं और इस संबंध में अगर किसी तरह की मदद ढूंढ रहे हैं, सो वी आर रियली सॉरी, शेयर अकेडमी आपकी इस बारे में कोई मदद नहीं कर सकता। हाउएवर, ऑप्शन चेन एनालिसिस हम जरूर करते हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए होती है। फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बेहद खास है। लर्न टू अर्न सीरीज के 20 वीडियोस की बहुत ज्यादा सराहना की आप सभी ने, और टेक्निकल एनालिसिस के उस पूरे कोर्स की जो कि हमने लर्न टू अर्न सीरीज के थ्रू आप सभी को सिखाया, और उसके बाद आप ही के कहने पर हमने शुरू किया फंडामेंटल एनालिसिस, जिसकी सीरीज में हम हर वीडियो में एक छोटा टॉपिक लेकर आते हैं। और इस सीरीज का मकसद है आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सिखाना, वन स्टेप एट ए टाइम, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, किसी भी जार्गन का इस्तेमाल किए हुए बिना। हमारे लास्ट 4 वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और जो फीडबैक आपसे मिल रहे हैं उससे हमें ये भी पता चल रहा है कि आप लोग बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं। इसी सीरीज का अगला वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड्स। टॉपिक है 5th, नाम है प्राइस टू अर्न या पीई रेशियो। असल में पीई बेसिकली एक रेशियो होता है, तो इसकी कोई इकाई नहीं है। जैसे कि अर्निंग पर शेयर की इकाई होती थी रुपीज़ में, यानी हम कहते थे किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 115 रुपए है। सो पीई की कोई इकाई नहीं है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ नंबर में कहते हैं। कि जैसे किसी कंपनी का पीई 15 है, किसी का 20 है, किसी का 18 है, किसी का 19 है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। बट फर्स्ट क्वेश्चन है कि आखिर पीई है क्या और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो ध्यान से सुनिएगा, और अगर एक बार में आपकी समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, 2 बार में आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा। और हम इस पूरे वीडियो के दौरान फ्रेंड्स लैंग्वेज बिल्कुल ईजी रखेंगे, एकदम लेमैन लैंग्वेज रखेंगे। और ध्यान रखिए कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मार्केट में फर्स्ट टाइमर हैं। अगर आप मार्केट में थोड़े लंबे समय के लिए हैं और आप कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये उनके लिए है जो मार्केट में न्यू कमर्स हैं। ओके, पी यानी पी स्टैंड फॉर प्राइस, ई स्टैंड फॉर अर्निंग। प्राइस अर्निंग इन दो शब्दों से मिलकर बना है पी, और सिर्फ यही दोनों शब्द ही आपको अच्छी तरह से बता देते हैं कि पी असल में है क्या। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने अर्निंग पर शेयर का वीडियो बनाया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप आज का ये वीडियो नहीं समझ सकते। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, और इससे पहले अर्निंग पर शेयर वाला ये 4th वीडियो ज़रूर देखिए। इसीलिए हम इन वीडियो को एक सीरीज में बना रहे हैं। ओके, सो प्राइस अर्निंग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो वर्ड शामिल हैं। अर्निंग का मतलब है अर्निंग पर शेयर, जो कि आप जानते हैं किसी भी शेयर का या किसी भी कंपनी का जो ईयरली नेट प्रॉफिट है उसे जब हम डिवाइड करते हैं कंपनी के अवेलेबल नंबर ऑफ शेयर से, जो कि फ्री फ्लोट शेयर हैं, तो हमको अर्निंग पर शेयर मिलता है। किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा होता है कंपनी के लिए ये उतनी ही अच्छी बात होती है। इस चीज़ में अगर हम एक चीज़ और शामिल कर दें जिसे हम कहते हैं प्राइस, यानी आज की डेट में किसी भी कंपनी का रेट क्या चल रहा है, और वो आपको कहाँ से मिलता है। सीधे आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाइए और करंट रेट देखिए कि किसी भी शेयर का करंट रेट क्या चल रहा है। जैसे कि इन्फोसिस करंट रेट 780 रुपये चल रहा है, तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर किसी भी कंपनी के करंट रेट को, यानी जो आज रेट चल रहा है उसे डिवाइड कर दें या भाग दे दें हम उसके अर्निंग पर शेयर से, तो हमें उसका पीई रेशियो या प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल जाएगा। जरा दोबारा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी भी कंपनी के प्राइस को या मार्केट वैल्यू को उस शेयर के जो आज की डेट में शेयर चल रहा है, जैसे कि इन्फोसिस का शेयर 788 रुपये चल रहा है, अगर हम इसे भाग दे दें या डिवाइड कर दें इसके अर्निंग पर शेयर से, यानी प्राइस ऊपर आ गया कंपनी का, प्राइस शेयर का प्राइस ऊपर, सो पी
नीचे आ गया अर्निंग पर शेयर का ई ले लिया। सो पी ई यहां से बना है प्राइस और अर्निंग, पी ऊपर और ई नीचे, यहां से बना है ये जो आपने देखा अभी पी ई रेशियो। तो अगर हम कंपनी के प्राइस को भाग दे दें उसकी अर्निंग से तो हमें पी ई मिल जाता है। खैर इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनीज, वेबसाइट्स, यूट्यूबर्स ये सब काम आपके लिए पहले ही कर रहे हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ इस पी ई के नंबर की जरूरत है, ठीक है ना। भाग कौन देगा, कैसे नहीं देगा, ये सब करने की बात है और ये सारा काम करती रहती हैं जो वेबसाइट्स हैं। आपका मेन मकसद होना चाहिए इस पी ई के नंबर से। सबसे पहला क्वेश्चन कि आखिर ये पी ई का नंबर दर्शाता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, अगर किसी कंपनी का आज की डेट में रेट चल रहा हो 100 रुपये और उसका अर्निंग पर शेयर भी 100 रुपये हो, तो 100 भागे 100 पी कितना बनेगा, 1। अगर कंपनी का रेट चल रहा हो 200 रुपये और अर्निंग पर शेयर हो 100, तो 200 भागे 100 बनेगा 2। यानी पी जितना कम होगा हमारे लिए ये उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि शेयर उतना सस्ता अवेलेबल है। जितना पी रेशियो कम होगा, ठीक है ना, जितना जीरो की तरफ जाता जाएगा उतना हमारे लिए कंपनी सस्ते दामों पर अवेलेबल है, हम ये कह सकते हैं। एक मोटा मोटी अगर लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल हम आपको बताएं तो ये समझिए कि 10 से लेकर 20 के बीच में अगर पी अवेलेबल है, 10 से नीचे बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि जब फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया हो और आपको 10 के नीचे मिल जाए तो समझ लीजिए कि जैकपॉट मिल गया। बट लेमैन लैंग्वेज में ये समझिए कि 10 से लेकर 20 के बीच में अगर पी अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि हमको ये कंपनी थोड़े सस्ते दामों पर मिल रही है। अगर पी 20 से लेकर 30 तक है तो ये मतलब है कि फेयर वैल्यूएशन है, और अगर 30-35 से ऊपर है तब हम ये कहते हैं कि ये शेयर बहुत महंगा है भाई, करेंट रेट पर ये शेयर खरीदने लायक नहीं है। जैसे कि MRF जैसे शेयर याद रखिए, या HEG ग्रेफाइट जैसे शेयर, ध्यान से देखिए HEG, इन स्तरों पर HEG 4487 रुपये के आसपास, चार्ट भी देखकर आप कह सकते हैं कि शेयर का रनअप निकल चुका, और जब रनअप हो जाता है ना अच्छा खासा तो इसका मतलब है कि शेयर का रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया तो जब उसको आप EPS से डिवाइड करेंगे तो पी बहुत हाई निकलेगा। तो एक तो हम चार्ट देखकर ये कह देते हैं कि भाई शेयर का रेट निकल चुका, रनअप हो गया बहुत अच्छा खासा, इन स्तरों पर शेयर नहीं खरीदेंगे, बहुत महंगा हो गया है। सेम वही चीज़ आप वहाँ डाटा देखकर ये कह सकते हैं इमीडिएटली कि शेयर बहुत महंगा हो गया। कैसे, पी देखकर। अगर पी आपको 35-40-50 मिल रहा है तब आप ये कह सकते हैं कि शेयर बहुत महंगा हो गया है। अगर 10 से लेकर 20 के बीच में मिल रहा है तब आप ये कह सकते हैं कि शेयर बहुत सस्ता अवेलेबल है। नाउ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि कंपनी इस समय 100 रुपये पर चल रही है और अर्निंग पर शेयर उसका 100 रुपये है, तो 100 रुपये अर्निंग पर शेयर होने का मतलब तो आपको पता है ना कि अगर कंपनी की सारी चीज़ें सब ठीक ठाक रहे, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, तो अगले साल इस शेयर का रेट 100 रुपये और जुड़ जाना चाहिए इस कंपनी में। यानी 100 रुपये पर करंटली कंपनी चल रही है, शेयर का रेट चल रहा है और अर्निंग पर शेयर 100 रुपये है, तो अगले साल इस शेयर का रेट होना चाहिए 200 रुपये, तीसरे साल होना चाहिए 300 रुपये, चौथे साल होना चाहिए 400 रुपये अर्निंग पर शेयर के बराबर। तो अगर कोई कंपनी आज की रेट में 200 रुपये पर चल रही है और उसका अर्निंग पर शेयर अगर 100 रुपये है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमको अपना रिटर्न निकालने के लिए कंपनी में कम से कम 1 साल तक बने रहना चाहिए। इसलिए ये ध्यान रखिए कि पी जितना कम होगा, बाकी की सारी चीज़ें अगर स्ट्रेंथ वाली हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि बाकी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है ना, इसलिए हम आपको एक बार में सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब हम पी डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसके साथ में उसका पी ग्रोथ भी डिस्कस करना शुरू कर दें, फिर हम ये भी डिस्कस करना शुरू कर दें कि कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन, नहीं, फिर क्या होगा कि आपके पास कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा और नॉलेज कम होगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंपनी में बाकी सब कुछ एकदम ठीक है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो अगर पी जितना कम मिलता है आपको, 10 से 20 के बीच में पी मिलेगा, तो उस आपके लिए कंपनी उतनी सस्ती अवेलेबल है। इसलिए जब भी कभी भी किसी कंपनी के अंदर निवेश की राय बनाइए पी देखकर, तो सबसे पहले ये देखिए कि पी सस्ता है या नहीं है, 10 से 20 के बीच में है या नहीं है। ये सबसे पहला लेसन है। इस पहले लेसन में सिर्फ आपको इतना ही सीखना है। अब आपको हम बताते हैं कि इसके अलावा एडवांस लेसन में क्या क्या आएगा।
जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे, तब आपको और क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी, तब ये पता चलेगा कि अलग अलग सेक्टर के पीज अलग अलग होते हैं। हर एक सेक्टर का पी एक जैसा नहीं होता, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके पी हमेशा हाई रहते हैं, आईटी सेक्टर के पीज आपको हमेशा हाई मिलेंगे, ठीक है। कुछ सेक्टर्स हैं जिनके पी आपको हमेशा लो मिलेंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के पी आपको हमेशा लो मिलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आईटी सेक्टर बहुत महंगा हमेशा अवेलेबल होता है और फूड प्रोसेसिंग हमेशा हल्का अवेलेबल होता है। एक सेकेंड, इसी का एडवांस लेवल जब आप इसके अंदर ग्रोथ और शामिल कर लेते हैं तो पी रेशियो के साथ आपको मिलता है पीईजी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। बट वो क्या है वो जानना अभी ज़रूरी नहीं है, अभी सिर्फ इतना जानिए कि सबसे पहले आपने मार्केट कैप देखा कि लार्ज कैप स्मॉल कैप या मिड कैप का है कंपनी। सेकेंड चीज़ आपने देखा अर्निंग पर शेयर उसका अच्छा है या नहीं, अगर एक दो रुपए है तो आप कंपनी को हटा दीजिए, अगर अर्निंग पर शेयर 30-40 रुपए है तो इसका मतलब बढ़िया है। देन अगला स्टेप देखना है उसका पी कितना है, पीई अगर आपको 10 से 20 के बीच में मिल रहा है इसका मतलब है कि कंपनी, हाँ अब कंपनी और फर्दर एनालिसिस करने लायक है। लेकिन अगर आपने मार्केट कैप देखा स्मॉल कैप का है, उसके बाद उसका अर्निंग पर शेयर देखा 1 रुपए का है, उसके बाद उसका पीई आपने देखा कि 60-70 का चल रहा है, तो मतलब है कि कंपनी कचरा है। अब यहीं से कंपनी को आगे देखने की जरूरत नहीं है, इस कंपनी में और ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसी जगह पर अपनी जो एनालिसिस है उसको बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा है कि हमने एनालिसिस का तरीका क्या इस्तेमाल किया कि हम पहले चार्ट देखते हैं, चार्ट पर कंपनी का अगर रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका होता तो हम कहते हैं कि इस कंपनी का एनालिसिस अभी हम नहीं करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस हम कब करते हैं, जब अच्छा चार्ट अच्छी खासी गिरावट दे दे और गिरावट के बाद शेयर धीरे धीरे अपट्रेंड में आने लगे चार्ट पर, तब हम उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के पीछे जाते हैं। उसकी वजह यही है कि तरीका सही यही है जिससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में आ जाता है। अब ज़रा इतनी देर की इस कमेंट्री के बाद हमें लगता है कि आपको मोटा मोटी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो हम थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि आखिर अच्छे पीई और बुरे पीई के कुछ एग्जाम्पल क्या हैं। और फ्रेंड्स ये वही एग्जाम्पल हैं जो हम आज तक आपके साथ डिस्कस करते आए हैं। इन्फोसिस ध्यान से देखिए, पीई रेशियो 23 का, यानी कंपनी करंट लेवल्स पर बाय करने लायक है उसके आसपास है, ओके। और पीई कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि रुपए में नहीं होगा, पीई हमेशा यही कहा जाएगा कि ये 23 पर इसका पीई चल रहा है, चूंकि ये रेशियो है इसकी कोई इकाई नहीं है। मारुति स्टैंड अलोन बेसिस पर हमेशा देखिएगा पीई 24 के आसपास चल रहा है, 25 के करीब। MRF इतना महंगा शेयर है, कितने का, 56,000 रुपए का, बट शेयर महंगा है या सस्ता ये उसका रेट नहीं बताता, ये बताता है उसका रेशियो, पी रेशियो। पी कितना है, 21 का पी चल रहा है MRF। अब जरा एक मजेदार चीज ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा कि MRF का पी 22 का है करीब, 21.87 यानी 22 का है, यानी 22 का, ठीक है। IFB एग्रो 41 का पी है और रेट है करंटली IFB एग्रो का, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना, 753। तो ये बताइए कि पी के हिसाब से IFB एग्रो महंगा है या कि MRF महंगा है। और लोग कहते हैं कि सर बहुत महंगा शेयर है, MRF अभी नहीं खरीद सकते। असल में शेयर का दाम शेयर को महंगा सस्ता नहीं बनाता, उसकी आने वाली ग्रोथ, उसका पी रेशियो ये बताता है कि शेयर महंगा है या सस्ता। ऑल सेक टेक्नोलॉजीज 50 का पी है, ये दिख रहा है, ये बताइए कि MRF महंगा है या ऑलसेक टेक्नोलॉजीज महंगा है। एलगी इक्विपमेंट 50 का पीई है। यूनिप्लाई 1 रुपए का अर्निंग पर शेयर है और 57 का पी। अब बताइए कि क्या आप फर्दर यूनिप्लाई के अंदर एनालिसिस करने के लिए जाना चाहेंगे या यूनिप्लाई को बाय करना चाहेंगे, जब आपको ये पता चल जाए कि अर्निंग पर शेयर 1 रुपए 11 पैसे और पीई 60 का है, क्या इस कंपनी को खरीदना चाहिए। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जंप नेटवर्क जिसे हमने हमेशा अवॉइड के लिस्ट में डाला है, क्यों, मार्केट कैप 571 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर 4 पैसे है और पी 1430 है, कहीं कोई मिलाप ही नहीं है शेयर का, कोई दुख ही नहीं बैठ रहा है, कोई रीजन ही नहीं है, पूरी तरह से शेयर का मनमाने ढंग से मूव कर रहा है, अर्निंग पर शेयर कुछ भी है और पी कुछ भी भागता जा रहा है। ये वो शेयर्स हैं फ्रेंड्स जहां पर ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं और आर्टिफिशियल मूवमेंट होता है शेयर्स के अंदर, इसलिए ऐसे शेयर से हमेशा बचना चाहिए। तो अब ज़रा कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ एग्जांपल्स दीजिए फ्रेंड्स, सर्च कीजिए, कम से कम हर एक व्यूअर जो आप देख रहे हैं, हमें बाकियों से और कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उन 50 लोगों से मतलब है जो हमारे लर्न टू अर्न सीरीज के रेगुलर व्यूअर हैं, जो नाइट सेशंस हमारे लर्न टू अर्न सीरीज रेगुलर अटेंड करते हैं, जिनमें माया बोस जी हैं, किरण जी हैं, मिलिन जी हैं, अनूप भट्टाचार्य जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, आप सारे लोग याद है ना, भीम जी, आप सबके जितनों के नाम हम बोल रहे हैं, जितनों के नाम हमको नहीं याद आ रहे हैं अभी, उन सबके भी।
सिर्फ हमें मतलब आप लोगों से है, आप 50 लोगों के कमेंट्स हमें चाहिए। कोई भी एक शेयर सर्च कीजिए मनी कंट्रोल पर, उसका पी रेशियो सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए, कंपनी का नाम लिखिए जैसे कि MRF और उसका पी ई लिखिए जैसे कि MRF का पी ई है 21, देन IFB एग्रो पी 41, तो उन शेयर्स के नाम, एक शेयर का नाम सिर्फ और उसका पी जो कि आपने सर्च किया हो खुद मनी कंट्रोल पर, ये फर्स्ट जो स्क्रीन है आपको उसी में मिल जाएगा पी यहाँ पर, ठीक है। मनी कंट्रोल खोलेंगे, सर्च बॉक्स में डालेंगे कंपनी का नाम, सर्च कीजिए कंपनी जैसे सामने आएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर उसका पी मिल जाएगा। फ्रेंड्स ये आदत जब आप डालेंगे तब धीरे धीरे आपके अंदर आदत आएगी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की, और ये ज़रूरी है। उम्मीद है कि जो आज का ये छोटा सा वीडियो 15 मिनट्स का है, ये आपको थोड़ी बहुत बातें सिखाएगा। अगर इसने आपको पी रेशियो के बारे में कुछ भी सिखाया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ये ज़रूर बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने के लिए मिला, साथ ही साथ उस कंपनी का नाम और उस कंपनी का पी रेशियो भी जिसका आपने सर्च किया है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, वन स्टेप एट ए टाइम लेते रहिए, जुलाई खत्म होते होते फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स हम आपको ज़रूर सिखा देंगे, जिससे कम से कम आप इतना ज़रूर कर सकेंगे कि कचरा शेयर से आप हमेशा दूर रहना शुरू कर देंगे एकदम बेसिक फंडामेंटल्स के आधार पर। उम्मीद है कि आज का ये सेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आने से भी ज़्यादा आपके लिए ये प्रॉफिटेबल होगा, भविष्य में आपको सिखाएगा। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स, और अगर आप चाहें तो हमारी मदद कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर पेटीएम डोनेशन देकर, आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में जो कि सिर्फ एक घंटे के बाद होने वाला है लाइव सेशन, तब तक के लिए अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।